आदरणीय श्री राम माधव जी हैं, आप एक लेखक, विदुषक एवं प्रणेता हैं। बाल्यकाल से स्वयं सेवक रहे, पूर्वकालिक रहे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में राष्ट्रीय प्रवक्ता के दायित्व पर रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आपने जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील प्रांत और नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दिलाई और साथ ही विश्व में भाजपा का परचम लहराने में योगदान दिया। ऐसे हमारे जन जन के प्रिय आदरणीय श्री राम माधव जी, जिनको सुनने का आज हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं अनुरोध करती हूँ कि आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। साथियों, जोरदार तालियों के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे सहयोगी वाइस प्रेसिडेंट श्री श्याम जादू जी, इस वर्चुअल रैली में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, अन्य पार्टी के नेतागण और युवा साथियों, आज का कार्यक्रम एक हिस्ट्री क्लास है। हिस्ट्री क्लास दो कारणों से लिया जा रहा है। एक कारण क्या जिक्र हमारे आदेश जी ने किया था कि आज देश का जो लगभग 60-65% की जो आबादी है वो आपातकाल के बाद उनकी पैदाइश हुई, इसलिए वो आपातकाल क्या था, उस समय क्या हुआ, उसकी कोई जानकारी उनको नहीं है। ऐसे युवाओं को उसका परिचय, उसकी जानकारी देना, इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। पर साथ ही साथ एक दूसरा उद्देश्य भी है। तो जहां तक पहला उद्देश्य का प्रश्न है, अब कोई कह सकता है कि भाई आज याद नहीं दिलाया तो क्या होगा, अब जो हो गया है हो गया है, 45 साल पहले हो गया है, अब क्यों आप दोहरा रहे हो उसको। विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के पंत प्रधान थे, वो कहते थे एक महत्वपूर्ण बात कि बोथ हू सब्जेक्ट हिस्ट्री और कंडम टू रिपीटिंग, जो इतिहास को भूल जाते हैं ना, वो इतिहास में जो भूले हुई है उनको पुनरावृत्त करते हैं, दोबारा वही भूले करेंगे। क्यों? क्योंकि इतिहास से सीखा नहीं था, इसलिए सीखने का अवसर है। पर दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है मित्रों, आजकल बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी दिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता भी दिख रहे हैं जो बार बार कहते हैं मिनी इमरजेंसी जैसा माहौल है, मिनी इमरजेंसी जैसा माहौल है। जो आज इस प्रकार वर्तमान समय के बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं ना, उनमें से आधे लोग खुद जिम्मेदार थे इमरजेंसी का। वे उनके दावे दादिया, उन्होंने आपातकाल लगाया था भारत पर। बाकी ऐसे लोग थे जब भारत पर आपातकाल लगा, 2 साल लगभग यानी 20-21 महीने तक इस देश पर तानाशाही का शासन चला, चूहे जैसे पड़े रहे, चूहे जैसे मुंह खुले तक नहीं थे उस समय। ऐसे लोग आज के हमारे जनता को भ्रमित करने के लिए आपातकाल की गलत व्याख्या आज करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए भी आवश्यक है कि उनको भी बताए यार आपातकाल क्या था। आप तो शायद 5-6 साल का आयु के थे उस समय, आपकी दादी माँ जब आपातकाल लगाई थी इस देश में, आपको तो पता ही नहीं चला होगा। हम बताएंगे क्या था आपातकाल, कैसे हिटलर जैसे भयंकर एक जो नियंता थे, डिक्टेटर थे,
वो भी शर्मिंदा हो जाए। उस प्रकार का शासन जो भारत में उस समय चला था उसका असली चित्र असली इतिहास हम देश की जनता के सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि इस देश के 70 साल के लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा काला अध्याय था। जब देश आजाद हुआ था तो नेहरू जी का बड़ा भाषण था, रात को 12 बजे दिए थे, हम अब लोकतंत्र में प्रवेश कर रहे हैं, एक बहुत आशय उनके साथ प्रवेश कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लंबा चौड़ा भाषण था। वो बहुत पॉपुलर भी है, बहुत प्रसिद्ध भी है, आज भी सब लोग उसको कोट करते रहते हैं। आजादी के 20 साल भी नहीं हुए थे, उनकी बेटी इंदिरा गांधी पंत प्रधानमंत्री भारत की प्रधानमंत्री थी, उस आजादी को जिस स्वप्न के साथ हम लेकर आए थे, जिस स्वातंत्र्य के लिए लड़े थे, उस स्वातंत्र्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था आपातकाल की घोषणा करके। यह आपातकाल जैसा सबने कहा 1975 25 जून की रात को इसकी घोषणा की गई थी, किसी को पता नहीं था। राष्ट्रपति का आदेश की जरूरत होती है, इन दिनों में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। राष्ट्रपति जी को एक कागज भेजा गया अचानक इंदिरा गांधी जी के द्वारा, इंदिरा गांधी जी एक आदेश निकाली। हमारे संविधान में 352 आर्टिकल है, वो कभी बाहरी खतरा होने पर या बहुत बड़ा उपद्रव होने पर एक इमरजेंसी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देने वाला ये आर्टिकल है। उस आर्टिकल के आड़ में इंदिरा गांधी जी ने 352 आर्टिकल का प्रयोग करके एक नोट बनाकर राष्ट्रपति को भेजी, आप इस पर हस्ताक्षर कर लीजिए। वैसे तो राष्ट्रपति जी को कैबिनेट के सलाह पर काम करना होता है, यानी मंत्री परिषद के सलाह पर। इंदिरा गांधी जी ने तो किसी मंत्री से पूछा नहीं। आज वो बड़े बड़े बातें लोकतंत्र की कहते हैं ना, उनको थोड़ा पढ़ना चाहिए क्या क्या हुआ था उस समय। कैबिनेट के सहयोगियों को साथियों को अगले भी मैंने 26 जून सुबह तक पता ही नहीं था कि इमरजेंसी आने वाला था। बिना कैबिनेट से चर्चा किए रातों रात एक कागज भेज दिया गया राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति जी भी बिना सोचे बिना पूछे उस पर हस्ताक्षर कर दिए। ऐसी शुरू हुई इस देश के ऊपर एक अलोकतांत्रिक तानाशाही व्यवस्था। हम में से किसी को शायद मालूम नहीं है इमरजेंसी होता क्या है, क्या होता है उसको समझने के लिए वो 25 जून की रात को जो प्रतिबंध लगाया गया था, इमरजेंसी की घोषणा हुई थी, तब से लेकर लगभग 20-21 महीने तक, यानी 21 मार्च 1977 1977 तक जिस प्रकार का तानाशाही का शासन इस देश में चला उसको समझना चाहिए। जैसे ही इमरजेंसी का डिक्लेरेशन हुआ रातों रात पूरे देश में आदेश पहुंच गया, जितने विपक्ष के नेता है सबको अंदर कर दो, किसी को जेल में डालने के लिए कोई तो कारण चाहिए। एक ही कारण बताया गया, आंतरिक सुरक्षा को खतरा। आंतरिक सुरक्षा को किससे खतरा है? श्याम गर्ग जी के पिताजी से, मेरे पिताजी से। देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा, विपक्ष का गला दबाया गया, रातों रात गिरफ्तारियां हो गई। मैं अभी बता रहा था, सुबह उठकर पिताजी के लिए नाश्ता लाने हम बाहर गए थे, साइकिल से वापस आ रहे थे तो एक पुलिस जीप बैठी गली से निकल के जा रहा था, तो उनको पता नहीं था, बहुत छोटे थे हम। घर पहुंचे नाश्ता लेकर तो माता जी ने बताया ऐसा करो नाश्ता पुलिस स्टेशन ले जाके देखे आओ, तो हम पुलिस स्टेशन में नाश्ता लेते लेकर गए थे, चलो नाश्ता तो दे दिए पिताजी को। तब गए तो बेचाल का जवाब से वहां से कारावास में भेज दिया गया। ऐसे ही जो श्याम गांधी जी के पिताजी, ऐसे यहां सभा में जो वरिष्ठ नेता ऐसे कई लोग क्या करेंगे, क्या उन्हें भी राष्ट्रद्रोह कर दिया,
दो साल जेल जाने का क्या कारण था? कोई कारण नहीं था, सत्ता का मोह था, सत्ता का लोभ था इंदिरा गांधी का। केवल नेताओं की बंदी में, वैसे तो पहले ही सप्ताह में 30,000 नेताओं की गिरफ्तारी हुई, पहले सप्ताह में। फिर उसके बाद जुलाई का पहले सप्ताह में 4 जुलाई को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर उनके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी चली। कुल मिलाकर इमरजेंसी के कालखंड में 1,30,000 से ऊपर लोगों को जेल में रखा गया है। अब मैं पूछना चाहूंगा, कौन जेल में आज के दिन में? कौन से ऐसे पार्टी का नेता है जो जेल में जाता है? कहां इमरजेंसी है? 1,40,000 लोग, रिमेंबर, 1,30,000 लोग जेल भेजे गए। केवल नेताओं को गिरफ्तार करना नहीं, देश के जितने व्यवस्थाएं थी सबके ऊपर अंकुश लगाया गया है। रातों रात जितने मीडिया हाउसेस थे सबको सूचना गई, कल सुबह अखबार में जो खबर आएगी, पहले हम पढ़ेंगे यानी सरकार पढ़ेगा, सरकार की अनुमति मिली तो ही आप छाप सकते हो। अब कोई एडिटोरियल लिखता है तो वो पेपर छपने से पहले लिखता है, अब वो एडिटोरियल लिखेगा फिर एडिटोरियल सरकार के सेंसर ऑफिसर के पास जाएगा, वहां से आके सेंसर में छपेगा, संभव ही नहीं था। तो 26 तारीख को लगभग सभी बड़े अखबारों में एडिटोरियल पे खाली आया, खाली। आज जो कहते हैं ना मीडिया के ऊपर अंकुश, मीडिया के ऊपर ये हो रहा है वो हो रहा है, जरा याद कर ले भैया, आपको एडिटोरियल लिखने का अधिकार भी नहीं था, पेपर खाली छापते थे। ये था लोग उस समय का अत्याचार, मीडिया की आजादी नहीं, पूरी छीन ली गई। जो मीडिया वाले थोड़ा विरोध करने का कोशिश करते थे उनको अंदर किया जाता था। पूरा एक डर का माहौल देश में बनाया गया, अदालतों को अपने डर के इस माहौल में अपने कंट्रोल में लिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक उसके सामने भी जिस प्रकार के दलीलें पेश की गई है वो आप सुनेंगे तो आप शॉक हो जाओगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जस्टिस ये रे, ऐसे माने जाते थे कि एम रे इंदिरा गांधी जी के खास आदमी थे, इसलिए उनसे 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके एम रे साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया था। तो ऐसे तो एम रे तो बड़ा आदर्श बोलते थे, पाली नारीमन जो बहुत बड़े न्यायाधीश है, उन्होंने एक बार एक भाषण में कहा था, इमरजेंसी लगने के एक सप्ताह पहले कोर्ट में एक केस आया डिटेंशन का, तो एम रे साहब के सामने आया था केस। एम रे साहब ने बड़ा लंबा भाषण दिया, लेकिन आजादी मौलिक अधिकार फलाना धमकाना पर भाषण दिया। पर एक सप्ताह बाद जब इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी ने कहा सारे मौलिक अधिकार अब सस्पेंडेड है, समाप्त है, अब तक कोई मौलिक अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस जिन्होंने एक सप्ताह पहले मौलिक अधिकारों के ऊपर लंबा गया भाषण दिया था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के नाम पर मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया लोगों का, चुपचाप बैठे रहे और इमरजेंसी को सही प्रकार से फैलाने का कोशिश किया गया। एक ही जज थे जस्टिस एचआर खन्ना, जो अकेले थे जिन्होंने सरकारी वकील जिनके अटॉर्नी जनरल कहते हैं, उन्होंने मेरे इंडिया अटॉर्नी जनरल थे, मेरे इंडिया से उन्होंने पूछा कि क्या भाई अब इमरजेंसी आ गई तो मेरे आर्टिकल 14 यहां पे ला के भी जब दिया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा आर्टिकल 21 राइट टू लिव, जीने का अधिकार देने वाला हमारा आर्टिकल का आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी अगर किसी इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया, किसी को जीने का अधिकार भी सबसे मिले। तो उच्चार खन्ना साहब ने पूछा यार ये कैसे हो सकता, जीने का अधिकार तो मौलिक अधिकार है, क्या आपका कहने का मतलब कि अब कोई पुलिस वाला जाके किसी को मार डाला तो केस भी नहीं बनेगा? आपको पता है धीरे धीरे क्या उत्तर दिया सुप्रीम कोर्ट में? उन्होंने कहा था हुजूर
मेरा मन तो स्वीकार नहीं करता है, पर क्या करूं, इमरजेंसी में पूछने का अधिकार भी नहीं रहेगा। कोई मासूम व्यक्ति को पुलिस मार भी डालता है तो पूछने का अधिकार भी नहीं रहेगा। ये थी इमरजेंसी मित्रों, मौलिक अधिकार समाप्त हो गए, मीडिया का अधिकार समाप्त हो गया, भय का माहौल पूरे देश भर में था, मुंह खोलने वाले नहीं थे देश में कोई, शायद डर गए। एक स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं, स्टॉकहोम सिंड्रोम यानी आपको कोई मान लीजिए किसी को किडनैप कर लिया, किडनैप करके एक से महीना कहीं रख लिया, तो धीरे धीरे एक मानसिकता निर्माण कर लेता है जो किडनैप हुआ व्यक्ति, क्योंकि उनको रोज खाना खिलाया जा रहा है, उनको कोई कष्ट नहीं दिया जा रहा है, उनको देखभाल किया जा रहा है, तो धीरे धीरे सोचने लगता है कि यार मुझे जो किडनैप किया है उसने गलत तो नहीं किया है, कोई बहुत ज्यादा गलती नहीं किया, मेरे साथ तो दुर्व्यवहार तो नहीं किया, इसको लेकर स्टॉकहोम सिंड्रोम। चार छह महीना होते ही इस देश के प्रबुद्ध लोग, इस देश के न्यायाधीश, इस देश के लोग ऐसे कुछ बुद्धिजीवी इमरजेंसी की तारीफ करने लगे, यहां तक लिखने लगे इमरजेंसी के कारण ट्रेन से पहले हो गए। मैंने आपके अधिकार समाप्त हो गए, हक समाप्त हो गए, आपके अखबार का आजादी समाप्त हो गई, आपके 130,000 लोग जेल में पड़े रहे, आप खो रहे थे इधर रोते हुए, होने तो खोना है तो होने दो, फिर ट्रेन के अंतर बढ़ रहे। ये थे बुद्धिजीवी, इसे रोते स्टॉकहोम सिंड्रोम, ये तो स्थिति तक लोग पहुंच गए थे। मित्रों, इसके विरोध में उस समय बाकी सारे विपक्ष कोई खड़ा होने को भी तैयार नहीं हो रहे थे, सब डर गए थे। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी इंदिरा गांधी के समर्थन में प्रस्ताव भी पारित कर लिया था, जो आज आप कम्युनिस्टों को पूछेंगे बड़े बड़े लंबे बड़े भाषण देते आपको मानवाधिकार फलाना ढिकाना, पर में जब मानवाधिकारों का दुष्यंत हनन हो रहा था, यही कम्युनिस्ट जो इंदिरा गांधी के गुणगान कर रहे थे, समर्थन में प्रस्ताव पारित कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने तो यहां तक बोल डाला एक दिन किसी मित्र को कि नॉट ए सिंगल डॉग इज गोइंग टू बार्क, मतलब एक कुत्ता भी मेरे खिलाफ बोलने वाला नहीं है। ये स्थिति इंदिरा गांधी ने बनाई थी, पर इन दिनों में एक ऐसी शक्ति थी जो इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ खड़ी हो गई, वो हमारे राष्ट्रवादियों की शक्ति थी। उसमें जनसंघ के लोग थे, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे। ये लोग तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम संघर्ष करने के लिए तैयार है। तभी एक लोक संघर्ष समिति नाम की संस्था बनी थी, थोड़ा पहले बनी थी, जय प्रकाश नारायण इन दिनों में लोक संघर्ष समिति के नेतृत्व करते थे। लोक संघर्ष समिति में इन दिनों के भारतीय जनसंघ के बड़े नेता नानाजी देशमुख, जो आरएसएस के थे, जनसंघ में काम करते थे, वो उसके महासचिव हुआ करते थे। इनके नेतृत्व में लोक संघर्ष समिति इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया, आरएसएस ने संघर्ष किया और देशभर में अंडरग्राउंड मूवमेंट चली। क्यों? क्योंकि जो भी बाहर दिखता था उनको पकड़ के अंदर कर देते थे, शिकाया अंदर कर दो, कोई किसी के साथ मेरा पर्सनल झगड़ा है मैं पुलिस को बोल दूं कि सर ये इंदिरा गांधी को गाली दिया, वो अंदर हो जाता था। इस प्रकार की तानाशाही थी, पुलिस इसका दुरुपयोग कर रहा था, अधिकारी इसका मिसयूज कर रहे थे, कांग्रेस की तो पूछ नहीं। इन दिनों में संघर्ष हमारे राष्ट्रवादी ताकतों ने की थी, संघर्ष सामान्य नहीं था मित्रों, क्योंकि एक तरफ इंदिरा गांधी की तानाशाही तो दूसरी तरफ उनका बेटा संजय गांधी की अत्याचार है। इन दिनों में इंदिरा गांधी से ज्यादा पावरफुल संजय गांधी बन गए, बल्कि संजय गांधी कुछ नहीं थे, आज भी कुछ गांधियां कुछ नहीं है, तो रोज सुबह उसको ट्वीट करते, इंदिरा गांधी संजय गांधी कुछ नहीं थे, पर पूरे अधिकार पूरे सत्ता का पावर वो अपने हाथ में ले लिया। भयंकर देश के अंदर अशांति फैलाई, वो यूथ कांग्रेस के लीडर थे, तो यूथ कांग्रेस का उद्यमों में मेंबरशिप ड्राइव चली, 7 लाख
कोई भी बंदर बन सकता है यूथ कांग्रेस में। वो यहां तक कि पुलिस मेंबर बन गए, गोंडा मेंबर बन गए, बदमाश मेंबर बन गए, और पुलिस किसी क्राइम में किसी को पकड़ता है तो कर्म कहता था कि मैं तो यूथ कांग्रेस का मेंबर हूं। अरे यार तुम तो प्रोसिक्यूशन के बंदे में ना ना कल तो था पर आज तो यूथ कांग्रेस है। ये था यूथ कांग्रेस का, लेकिन अगर कहा जाता था यूथ कांग्रेस में रेवड़ी कांग्रेस है, रेवड़ी कांग्रेस का अत्याचार करते थे। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने के लिए 20-point प्रोग्राम बनाया तो संजय गांधी ने अपना खुद का 5-point प्रोग्राम जोड़ा उसका। उस 5-point प्रोग्राम में पहले तो कुछ अच्छे बात भी थी, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं था, उसमें वृक्षारोपण था, उसमें दहेज की गुलाब लगना था वगैरह वगैरह थे, वो तो छोड़ दिए। उसमें एक बिंदु थी स्टेबलाइजेशन का, यानी देश की आबादी का नियंत्रण करना है, इसलिए जोर जबरदस्ती सबको स्टेबलाइज कर दो। ऐसा भय निर्माण हो गया देश में कि पुरुष लोग घर से बाहर आने से डरते थे कि कहां हमारे हॉस्पिटल का जाना आएगा, पुलिस जाएंगे उसमें डाल देंगे, ले जाके स्टेबलाइज कर देंगे, बच्चे का जाना है ऐसा कर देंगे। भय पर इस प्रकार का तानाशाही चलता था। उन्होंने मजाक से लोग कहते थे इंदिरा गांधी को मारा था गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, ये नारा चलता था कांग्रेस का। कांग्रेस का नारा पूरा था इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ देश बचाओ। तो लोग भागते भागते बोलते थे इंदिरा लाओ तो दूर की बात है, इंदिरा बचाओ। हमारे आर्गन से बचे, ये हालत थी। ऐसे डर के माहौल, ऐसे तानाशाही, इसके खिलाफ हमारे कार्यकर्ता लड़े मित्रों। लड़ना आसान नहीं था, कहीं भी मिलता है तो पकड़ अंदर कर देते थे, इसलिए देश बदल कर घूमना पड़ता था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक सरदार का वेश पहनकर गुजरात में अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाए थे, वो फोटो इंटरनेट पर उपलब्ध है, देख सकते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी राज्यसभा के सदस्य थे, बहुत विरोध करते थे इमरजेंसी का, अरेस्ट होने वाले थे तो अरेस्ट से बचने के लिए चेन्नई जाके, चेन्नई से श्रीलंका जाके अमेरिका चले गए, अमेरिका से इंदिरा गांधी का पोल खोलने का काम करते थे। पर राज्यसभा सदस्य थे तो राज्यसभा में आना जरूरी था, हस्ताक्षर करना पड़ता था, गन्ना डालना जरूरी था। तो एक दिन चुपके से राज्यसभा दिल्ली पहुंच गए, सरदार के देश में पहुंच गए और राज्यसभा में प्रवेश कर गए, साइन कर दिया रजिस्टर में। तो उस समय राज्यसभा में आदित्य चोरी रिजोल्यूशन चल रहा था, यानी मृतकों को संवेदना व्यक्त करने वाला। तो अचानक स्वामी जी उठे, बोले कि इस लिस्ट में एक नाम गायब है। तो स्पीकर ने बेचा नाम है, बेचा भी कोई नंबर है, पूछा किसका नाम मिस हो गया। फिर उन्होंने लोकतंत्र का नाम गायब है, लोकतंत्र की भी तो आज हमको श्रद्धांजलि समर्पित करना है। एकदम सन्नाटा छा गया, शॉर्ट हो गए, वो कौन है महापुरुष लोकतंत्र की श्रद्धांजलि समर्पित करने को कह रहे। जब तक वो लोग जाग उठे तब तक स्वामी जी फिर बाहर आ गए, फिर वहां से चुपके से निकल गए। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, इंदिरा गांधी का एक भी सभा देश में ऐसे नहीं चल सकता था जिसमें विरोध प्रदर्शन नहीं होता हो। जो इंदिरा गांधी बोलती थी कि नाटे बाद विल बार्क, इंदिरा गांधी के 15 अगस्त का भाषण से लेकर हर भाषण में लोग उठकर खड़ा होकर विरोध करते थे। विरोध कौन करते थे? आरएसएस के कार्यकर्ता, जनसंघ के कार्यकर्ता लगातार इंदिरा गांधी का विरोध करते थे। उनको जेल में डाला जाता था, भरी पर यातनाएं दी जाती थी, मोमबत्ती से जलाया जाता था, पीटा जाता था। जो आजकल आप अफगानिस्तान में वगैरह में अमेरिकन आर्मी ने क्या अत्याचार किया इसके फिल्म्स में देखते हैं, उससे भी बदतर ट्रीटमेंट हमारे जो लोग सत्याग्रह वगैरह करके जेल जाते थे उनके साथ किया जाता था। फिर भी कोई बड़ा नहीं है। लंदन के इकोनॉमिस्ट अखबार ने लिखा कि एक ऐसा कोर्स है भारत का, नाम लेफ्ट रिवोल्यूशनरी कोर्स है आरएसएस वालों का, ये जनसंघ वालों का, ये नाम लेफ्ट रिवोल्यूशनरी कोर्स जो इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ लड़ी थी, उसका परिणाम था जब 1977 में इलेक्शन आए थे
जिसको इंदिरा गांधी को लगता था कि और मुझे तो कोई रहा ही नहीं सकता। इनका संजय गांधी कहता था, गर्व से कहता था कि भाई 25-30 साल हमारा ये चलेगा। जैसे अहंकार से कहते थे 77 में चुनाव आया, देश की जनता ने ऐसा व्यक्त किया कि बहुत कम संख्या कांग्रेस की रह गई। जनता पार्टी जो जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से बनी थी, उनका सिंपल डिजायर की 272 सीट जीतकर पार्लियामेंट में अपना विजय का प्रस्ताव उन्होंने किया था। लोकतंत्र की रक्षा इस प्रकार हमने की थी मित्रों। आज 1975 से 2045 ईयर्स तक इस देश की जनता लोकतंत्र का आनंद ले रहा है। इतना आनंद ले रहा है, एक अमेरिकन राइटर ने एक कहानी बोली है सभा में। क्या कहानी था? नदी में पानी में दो छोटे मछली यंग मछली वो सील कर रहे, पानी में जा रहे, सामने से एक बड़ा मछली आया। उनको देख के पूछा, आज क्या है भैया, पानी कैसा है? तो इन्होंने एक क्षण के लिए वो बड़ा मछली की तरफ देखा, फिर आगे चलने लगे। थोड़ा दूर जाने के बाद वो दो बड़ी मछली, एक मछली दूसरे मछली से पूछती है, ये पानी क्या होती है? मैं इसलिए कहानी बता रहा हूं मित्रों, 45 साल से अच्छे लोकतंत्र में रहकर लोकतंत्र क्या होता है, उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा हम लोगों को, ये भी आज के लोगों को पता नहीं था। याद रखना, यह बहुत संघर्ष करके हमने बचाया था इस लोकतंत्र को, जिसका आनंद का आज सब अनुभूति कर रहे। उसकी तुलना में आज कोई है, आज कितना आजादी है। झूठ भी मानो विपक्ष में बैठ गए, जाली भी मैं विपक्ष में बैठ गए, आपका चल रहा है। कहां इस देश में इमरजेंसी का माहौल, जो इमरजेंसी था उसका वर्णन मैंने किया। आज कल है इमरजेंसी के समय में विपक्ष के सरकारों को एक एक करके गिराया गया। तमिलनाडु में करुणानिधि की सरकार थी, एक गवर्नर थे केके शाह, इंदिरा गांधी ने कहा कोई ना कोई रास्ता निकालो, इस सरकार को गिराना है। केके शाह साहब ने एक रिपोर्ट भेजा, एक करप्ट सरकार है, उसको यूज करके आपके ब्रिजिट ब्रिजिट को यूज करके करुणानिधि को हटा दिया गया। गुजरात में बाबू भाई पटेल लेते थे जनता मोर्चा के थे मुख्यमंत्री थे, वहां एक गवर्नर रहते थे शायद परमेश्वरन नाम है, उनको भी इंदिरा गांधी ने कहा कि अब बाबू भाई को हटा ना। परमेश्वर जी ने कहा मैं तो इसे पास नहीं करूंगा, गलत नहीं करूंगा। तो डिफेक्शन इंजीनियर किए गए, उनको गिराकर क्वेश्चन भी लगाया गया। आज तो पूरा आजादी है। आज ये आजादी का आनंद इसलिए लेता रहे थे क्योंकि हमने लड़ा था उसके लिए। आपने इसे उसको कहना चाहिए मैं कटेला, हमने उसके खिलाफ लड़ा, इसलिए हमको आजादी स्वतंत्र लोकतंत्र इसका महत्व हमको मालूम है मित्रों। और एक बात मुझे अंत में कहना है, आखिर इंदिरा गांधी ने सब किया क्यों? बस एक ही कारण था, सत्ता मोह। इंदिरा गांधी 71 में बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था उसके बाद उनकी बहुत प्रतिष्ठा बनी, पर इस प्रतिष्ठा के बाद बहुत जल्दी संजय गांधी का प्रवेश हुआ, भ्रष्टाचार शुरू हो गया, परिवारवाद शुरू हो गया। वैसे तो परिवारवाद का ही उपज थी इंदिरा गांधी में, तो और देख रहे थे उस समय कांग्रेस में, पर क्योंकि नेहरू जी की बेटी थी प्रधानमंत्री बन गई, फिर लाइट में आ गए, फिर भ्रष्टाचार मारुति कंपनी का शुरू कर दिया गया, मारुति कार बनाने का, और उसमें कौन कौन डायरेक्टर से सोनिया गांधी जी जो उस समय विदेशी थी, सोनिया गांधी भारत की नागरिकता तक ली नहीं थी, विदेशी रहकर भी उसमें शेयर ली गई दी गई है उनको। ये सारा जो भ्रष्टाचार कुशासन क्षमता तो देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हुआ था। उस आंदोलन का नेतृत्व जेपी कर रहे थे, युवा बड़े संख्या में उस आंदोलन में भाग ले रहे थे। उस आंदोलन से इंदिरा गांधी डर गई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर जगजीवन राम जैसे नेता से डर गई थी, चंद्रशेखर जैसे एम तर्क से डर गई थी, कांग्रेस के अंदर जो परिस्थिति थी उससे भी डर था।
और इन दोनों कार्यों के लेकर से आया 1975 में 12 जून को अलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया कि इंदिरा गांधी का 1971 का जो चुनाव का रिजल्ट था वो गलत है, उन्होंने भ्रष्टाचारी तरीके से गलत तरीके से चुनाव जीता है, इसलिए उनको 5 साल 6 साल तक फिर से चुनाव नहीं लगना है, अब तुरंत हटना है। जैसे ही आदेश आया, आज हमको कहते हैं ना अदालतों का सम्मान होना है वगैरह वगैरह, कोई अदालतों का सम्मान करने का हिम्मत नहीं था, कैसा भी करके चिपके रहे सरकार सत्ता में, वही प्रयास था। सुप्रीम कोर्ट में गया तो जस्टिस कृष्णगर ने आदेश दिया कि तुमको प्रधानमंत्री तुम रह सकते हो, पर पार्लियामेंट सदस्य के नाते जो अधिकार तुमको मिलते हैं वो सारा अधिकार अब सस्पेंडेड है। तो इंदिरा गांधी घबरा गई, सत्ता हाथ से निकल रहा था। ऐसे में ये जो संजय गांधी और बाकी जो एक गुट उनके साथ चारों ओर गोदर चारों ओर उनके इकट्ठा हो गए, उन्होंने सब दिल कर उनको समझाया, अरे आप जाएंगे तो देश का क्या होगा। इन दिनों में एक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बड़ा नाराज हुए थे, इंदिरा ही इंडिया, इंडिया ही इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो इंदिरा गांधी को लगने लगा कि मैं नहीं हूं तो क्या होगा देश का, देश के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं, जनता पर विश्वास नहीं। और ये जो सत्ता लोलुपता थी उसके कारण ये इस प्रकार के अत्याचार पर्व को इस प्रकार के इमरजेंसी की घोषणा की थी। मित्रों आज जब ये बात उठती है कि फिर से इमरजेंसी आएगा क्या, मैं धूके के चोट पर कहता हूं जब तक हम है कभी नहीं आएगा। हम भी थे उस अत्याचारी तानाशाही सरकार से लोकतंत्र को हमने बचाया था। जब हमने, मैं कहता हूं कि एक दो व्यक्तियों का नहीं कह रहा हूं, राष्ट्रवादी शक्तियां जितनी भी आज है ये लोग हैं लोकतंत्र को उस दिन बचाए थे। लोकतंत्र और आजादी का मूल्य क्या होता है हम जानते हैं। उस लोकतंत्र को खत्म करने वाले, तानाशाही को इस देश में फेंकने वाले लोग पूरा क्या जानते हैं लोकतंत्र क्या होता है या आजादी का मूल्य क्या होता है। इसलिए जब तक हम है तब तक इस लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। ये बातें जो होते हैं ना, ये निरर्थक या लोगों को गुमराह करने वाले बातें, इमरजेंसी फिर आ रहा है, अत्याचार वगैरह वगैरह बोले जाते हैं, उनको इमरजेंसी क्या होती है उसका परिचय एक बार देना। और उन्होंने जो इतिहास में पाप किया था उस पाप को आईने में एक बार दिखाना। आप जब ठीक करते हो थोड़ा पहले अपना पढ़ाया करो, न पढ़ते हैं न समझते हैं बोलने लगते हैं। इससे अच्छा गालिब की किताब पढ़ो, आइंस्टीन को और ज्यादा पढ़ लो। धन्यवाद।
डाउनलोड तरंग ऑनलाइन रेडियो ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। You are listening to Tarang Devotional Online Radio.